एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आ सकती है। एक देश में एक चुनाव के पक्ष में एनडीए के पास कई दलील है, तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास भी पूरी बहस करने की ताकत है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने पूरी बहस को ही डाइवर्ट कहीं ना कहीं कर दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इनकम पर कमेटी बनाने की मांग की। तेजस्वी यादव की इस मांग पर समर्थन दिया गया है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा। तो वहीं पर बीजेपी तेजस्वी यादव की समझ पर सवाल उठाती है। एक देश एक चुनाव, बिहार मांगे मोर, वन नेशन वन इनकम वाला निकाला तोड़। लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 6 महीने का वक्त है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव का बड़ा दांव चला है जो इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर धकेल सकता है। पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नई मांग रख दी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने एक देश एक चुनाव से इतर वन नेशन वन इनकम पर कमेटी बनाने की मांग की है। दलील दी गई है कि लोगों के बीच आय को लेकर जो खाई है वो भर सके। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तेजस्वी यादव ने नई बहस छेड़ दी है जो वन नेशन वन इलेक्शन का काट माना जा रहा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर वन नेशन वन इलेक्शन की खूबियां गिना रहे हैं तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना भी साध रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होने से समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, देश में विकास का काम तेजी से बढ़ेगा, ये तो समझ नहीं आएगा तेजस्वी जी को, क्योंकि तेजस्वी जी स्वयं 4 सीटेड हैं, शिक्षा का भी अभाव है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव की मांग से पूरी तरह सहमत है। सवाल किया जा रहा है कि वन नेशन वन इनकम क्यों नहीं। सुनने में जितना वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव सुनने में जितना लुभावना लगता है, उतना ही इसका क्रियान्वयन समझिए कि कठिन और दुष्कर है। जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी प्रोपगंडा पे ही चुनाव जीतना चाहते हैं, धरातल पे काम करके नहीं जीतना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो अच्छी बात कहे तेजस्वी यादव जी, वन नेशन वन इनकम क्यों नहीं। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी इनकम तो 2 आदमियों की है, हम दो और हमारे दो। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा कि ये बकवास की बातें हो रही है, अगर लाना ही है करना ही है तो वन नेशन वन इनकम करें, सबका भला होगा, गरीबों का भला होगा। 2014 और 2019 में लगातार बड़े अंतर से विपक्ष को शिकस्त देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी मजबूती से खड़े हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसी मांग रख दी है जिस पर सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव की मांग में दम कितना है। क्या दुनिया का कोई ऐसा देश है जहां वन नेशन वन इनकम है? एक मुख्यमंत्री और एक चपरासी की इनकम एक हो सकती है, एक अधिकारी और एक अर्दली की इनकम एक हो सकती है, एक मॉल मालिक और एक ठेले वाले की इनकम एक हो सकती है, एक टैक्सी ड्राइवर या एक ई रिक्शा वाले की इनकम एक हो सकती है, एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर की आय एक हो सकती है, एक लुटेरे और एक ईमानदार की कमाई एक हो सकती है। अगर सभी लोगों की आय एक होगी तो कौन मेहनत मजदूरी और जिम्मेदारी वाला काम करना चाहेगा, कौन पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहेगा, कौन मुश्किलों से सामना करने के लिए तैयार होगा? क्या एक देश एक आय काल्पनिक मांग नहीं है, क्योंकि इनकम का पैमाना काबिलियत, शिक्षा, नया करने का जुनून और आपराधिक पृष्ठभूमि हो सकती है जो हर किसी में अलग अलग होता है। जबकि वन नेशन वन इलेक्शन आजादी के 20 साल तक होता रहा है, इससे देश के खजाने को बड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा बनने पर